हल्द्वानी में प्रशासन इन दिनों लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इस बार प्रशासन ने कालाढूंगी रोड में लाल ढांट चौराहे पर जेसीबी से अस्थायी अतिक्रमण को ढहाया है। इसी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत चौराहे चौड़ीकरण अभियान भी चल रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी अतिक्रमण चिन्हित किया गया था और स्थायी अतिक्रमण करने वालों को अपना अतिक्रमण तोड़ने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते आज प्रशासन ने जेसीबी लगाकर अतिक्रमण तोड़ने का अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही नए अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई भी चल रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हल्द्वानी में जो चौराहों का हमारा चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके अलावा और जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, उसी क्रम में जो हमारी कालाढूंगी रोड है, इस पर हमारे चौराहों का कुछ कार्य अवशेष रह गया था। कतिपय लोगों के अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए थे, उन्हें समय भी दिया गया था और इस न हटने की वजह से अभी DVM और लैपटॉप का काम प्रभावित हो रहा है। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है और जो स्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, खासकर जो लाल डॉट और जो हमारा कमलवा गंजा कुसुम खेड़ा इस क्षेत्र में आज कार्रवाई की।